एक साल पहले ही लॉन्च हुई दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं मन हूँ का कोई मुकाबला नहीं। फिर चाहे क्रॉसवुड बुक स्टोर्स या amazon.in की बेस्ट सेलिंग चार्ट्स हों, मैं मन हूँ कुछ भी हासिल करने की मास्टर चाबी। Deep Answers, आपकी समस्या, दीप त्रिवेदी के समाधान। The immediate effect of your lecture is very motivational. But if you track this effect after a few days, weeks or months, then it is negligible. If you want, you can track your old listeners and give me a few examples where there has been a transformation as you claim. I am challenging you to give me an example of one person who has been transformed or has achieved self-realization. I ask for your forgiveness for being direct and rude. But please don't praise yourself, as then you are boosting your ego. If you really want to bring about a transformation on a larger scale, then I am willing to work with you. मैंने आपका सवाल सुना और आप काफी समझदार हैं। आपने मुझे अच्छे से सुना लगता है, उसका प्रभाव होते देखा लगता है और एक लिमिट में आप जो सोच रहे हैं वो आपके लिए पूरी तरह से गलत भी नहीं है। यह पहली बार है कि कोई साइकोडायनेमिक्स की भाषा बोल रहा है और ये बात तो मैं आपसे स्पष्ट कह दूं कि मुझे सुनने वाला और ध्यान से सुनने वाला बिना बदले रह नहीं सकता है, उसके पास उपाय ही नहीं है। क्योंकि अगर सच कहूं मैं आपसे, तो मैं मनुष्य के बुद्धि अहंकार स्टॉप कर देता हूं, टेम्पररी वो मेरे हिप्नोटिज्म में आ जाता है और बात उसके गहरे में उतर जाती है जो मैं उतार ही देता हूं। और गहरे में हर मनुष्य को सब कुछ मालूम है, क्योंकि उसके गहरे में सत्य छिपा हुआ है। सिर्फ बात वहां तक पहुंचाने की है और वो मैं पहुंचा देता हूं और परिवर्तन आता है। मुझे कुछ सिद्ध नहीं करना है। हजारों हजारों लोगों में परिवर्तन आया है, वे वीडियो भी भिजवाते हैं, लिख के भी भिजवाते हैं, लेकिन खैर इन सब मामलों में मुझे जाना नहीं है। आपका यह कहना काफी हद तक सही है कि कईयों में परिवर्तन टेम्पररी होता है और फिर जीवन के झमेलों में उलझ जाते हैं और वो परिवर्तन धीरे धीरे कर वापस आने लगता है, लेकिन ऐसा कम होता है। कईयों में परिवर्तन बढ़ता चला जाता है और सामान्य से कई लोग महान हुए हैं इन लेक्चरों को सुन सुनकर। वे कहां से कहां पहुंच गए हैं, क्योंकि सारा खेल भीतर का है। यदि मनुष्य का भीतर बदल जाए तो उसका जगत बदलते टाइम नहीं लगता है। ये सिंपल सिद्धांत है और कहने और सुनने से ही सब कुछ होता है। दूसरा कोई मनुष्य के पास बदलने का उपाय नहीं है। कृष्ण भी अर्जुन से कह ही रहे हैं, बुद्ध भी बोले ही बोले हैं और कबीर ने भी दोहे गाए गाए हैं, है ना। सो मनुष्य में परिवर्तन सर्वाधिक सुनने से आता है, श्रवण मात्र, जिसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि परिवर्तन श्रवण मात्र से आएगा, तो परिवर्तन तो आता ही है। दूसरी बात, आपने मेरे ईगो की चिंता की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन चिंता ना करें, ईगो बढ़े तब जब हो, उससे मेरी कभी कोई मुलाकात न हुई है न होने वाली है। और कोई भी वो व्यक्ति जो जानता और समझता है कि उसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का हुक्म है, उसकी मेहरबानी है, उसको ईगो होता ही नहीं है, है ना। क्राइस्ट इसीलिए बड़ी आसानी से कह पाते हैं कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। सो
मैंने आपका सवाल सुना, आपकी चिंता सुनी, आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, प्रज्ञावान हैं, समझदार हैं, लेकिन एक चीज का यकीन रखें, यदि सिर्फ सुनेंगे और दिमाग नहीं लगाएंगे तो ऐसा चमत्कार हो जाएगा जो आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और ये मैं सबसे कहता हूं, मैं आपके कंप्यूटर से खेलता हूं, मुझे खेलने दो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। मैं मन के कंप्यूटर का इंजीनियर हूं, मुझे सबके कंप्यूटर ठीक करने दो, थोड़ा सा सहयोग करो, ठीक हो जाएगा। और अंतिम बात, आपने कहा कि आप मेरे साथ अच्छे कार्य के लिए जुड़ना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं सिर्फ बोलता हूं और लिखता हूं, कहीं आता जाता नहीं, किसी से मिलता नहीं, और इतना समय मेरे पास बचता ही नहीं। सो बेहतर है कि आप इतना समझते हैं, सो आसपास वालों में से पाखंड हटाएं, उन्हें जगाएं, उनके मन मजबूत करें, आप अपनी राह पर लोगों का उद्धार करने चल पड़े। सबको यही करना है, खुद जागना है और फिर सबको जगाना है, सबका जीवन बनाना है। सो उम्मीद है आप मेरी पूरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर, कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ, ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ, ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, कॉन्सेंट्रेशन, कंफ्यूजन, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जॉय एंड सक्सेस, माइंड एंड ब्रेन, डे स्लीप, नेचुरल इंटेलिजेंस, चेंज योर फ्यूचर, ईगो, नॉन वायलेंस, फ्रीडम तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओत्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम DVDs और CD सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम DVDs और CDs आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी, ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।